प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता कह दे माँ अब क्या देखूं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता एवं कवित्री से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा का काव्य संसार कई मायनों में विशिष्ट और अनूठा है, विशेषतः उन जगहों पर जहां छायावाद के संदर्भ में जितना अनुभूति स्व और सामाजिक की बात बार बार की जाती है। महादेवी जी छायावादी की सीमा में दाखिल होने वाली और उसमें अपनी जगह बनाने वाली एकमात्र कवित्री थी। हिंदी आलोचना ने महादेवी जी की कविता और काव्य जगत को लेकर कोई गंभीर रुख नहीं दिखाया और महादेवी की कविता को सीमित भावबोध, आंसू, वेदना और करुणा की कविता आदि कहकर छुट्टी पा ली है। महादेवी की कविता को छायावाद के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने से उसके मर्म को समझ पाना संभव नहीं है। महादेवी की कविताओं को स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने और स्त्रीवाद की विभिन्न काव्य रणनीतियों के प्रयोगों को रोशनी में रखने से ही उनकी काव्य साधना को एक नया आयाम दे सकेंगे। ऐसे में महादेवी द्वारा रचित कविता कह दे माँ अब क्या देखूं में रहस्य की भावना देखते ही बनती है। इस कविता की यह पहली पंक्ति क्या देखूं में ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या यह कविता महादेवी जी के जीवन की दिशा चयन है, जिसने उनको अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने को बाध्य कर दिया था। इस कविता में कुछ बिंबों के अनूठे प्रयोग भी पाठक का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए महादेवी जी की संवेदना को विस्तार देते हैं। इस कविता के जरिए कविता यह समझाने की कोशिश करती दिख रही है कि वह ऐसे दो राह पर आकर खड़ी हो गई है, जहां से किसी एक राह का चयन वह नहीं कर पा रही है। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। हमेशा की तरह प्रस्तुत कविता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है, जिससे कि मुझे कविता के पाठन एवं व्याख्यान में सुविधा हो और साथ ही पाठकों को भी समझने में आसानी हो सके। कविता के पंक्तियों में आए हुए उन शब्दों को मैंने लाल रंग दिया है जो कुछ कठिन से जान पड़ते हैं और ठीक दाहिने ओर उनके अर्थों को नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता का वाचन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में ही एक शब्द सुषमा आया हुआ है। सुषमा का अर्थ होता है अत्यधिक सुंदर। तो आइए कविता का वाचन करते हैं। कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जन जीवन देखूं।
तो यहाँ कवि प्रश्न कर रही है कि आखिर मैं किस तरफ जाऊं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता कह दे माँ क्या देखूं से लिया गया है। यहाँ कवित्री माँ रूपी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए पूछ रही है कि मैं समझ नहीं पा रही हूं कि हे माँ मैं क्या करूं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवित्री कह रही है कि हे माँ मैं क्या देखूं, इस संसार में खिली हुई कलियां देखूं या देखूं उस सूखे अधरों को। फिर से कवित्री कहती है कि मैं यौवन की उस आभा को देखूं या जर्जर तेरे जीवन को। अर्थात यहां कवित्री समझ नहीं पा रही है कि इस संसार में अच्छे बुरे सुख दुख सभी विद्यमान है, मैं किसे अपना मान लूं, क्योंकि एक तरफ सांसारिक सुख है तो दूसरी तरफ दुखों का भरमार है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं हिम हीरक शब्द आई हुई है। इसका अर्थ होता है बर्फ की तरह रत्न या फिर हीरा भी आप कह सकते हैं। तो आइए वाचन की ओर बढ़ते हैं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर या मुरझाई पलकों से झड़ते आंसू कण देखूं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां कवित्री जीवन के सुंदर एवं क्रूर दोनों रूपों का वर्णन किया है। आइए व्याख्या करते हैं। यहां कवित्री कहती है हे माँ मैं क्या देखूं, हिलते नीले कमलों पर उन बर्फ की तरह चमकते हीरे रूपी ओस की बूंदों को देखूं या मुरझाई उन कमल के झड़ते आंसू की तरफ देखूं। अर्थात कवित्री कहती है कि मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि उन दुखों के पल को अपना लूं या फिर सुख को जो नश्वर संसार में व्याप्त है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में सौरभ शब्द आए हैं। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या महक। इसके बाद शब्द है समीरन। समीर से समीरन शब्द आए हैं। समीरन का अर्थ होता है हवा या फिर वायु। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरन, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। यह प्रसंग में कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री प्रकृति के उतार चढ़ाव का वर्णन कर रही है, अर्थात प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे रही है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवित्री यह कहती है कि हे माँ मैं सुगंधित हवा को देखूं या शोक में डूबे मंद गति से चलने वाले उन हवा को देखूं, देखूं दुख की घूंट पीते उस आह को या ठंडी सांसों को लेते उस पल को। अर्थात मैं किसे अपना लूं यह समझ नहीं पा रही हूं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हैं संताप, संतापों, संताप से संतापों शब्द आया। संतापों का अर्थ हुआ दुख या क्लेश। आइए पंक्तियों की वाचन करते हैं। देखूं परागमय मधुमय, देखूं परागमय मधुमय तेरी वसंत छाया में या झुलसे संतापों से
प्राणों का पतझड़ देखूं। प्रसंग उपरोक्त है यहां। आइए व्याख्या करते हैं। कवित्री यहां कहती है कि हे मां, मैं तेरे फूलों के पराग से परिपूर्ण मधुमय वसंत छाया में खेलूं या तेरे दुखों से झुलसे और झर गए उन प्राणों को देखूं। अर्थात बड़ी विकट परिस्थिति है कि करूं तो आखिर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हैं मकरंद। मकरंद का अर्थ होता है फूल का रस। इसके बाद शब्द है पगी। पगी का अर्थ होता है लगा हुआ। इसके बाद शब्द है केसर। केसर से तात्पर्य होता है फूल का रेशा या फिर कुमकुम भी कह सकते हैं आप। उसके बाद शब्द आए हैं उर पंजर। उर और पंजर दो शब्द है यहां। उर का अर्थ होता है हृदय और पंजर का अर्थ होता है हड्डी अस्थि, यानी उरपंजर हृदय और हड्डी। इसके बाद शब्द आए हैं जीवन सुख। जीवन सुख अर्थात जीवन के लिए लड़ते हुए, जीवन के लिए लड़ना। यहां भी इन पंक्तियों का प्रसंग उपरोक्त ही होगा। आइए पंक्तियों का व्याख्या करते हैं। यह कवि कहते हैं कि हे मां, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि तेरे फूलों के रेशों में लगे रस का पान करते उन मधुपरियों अर्थात भौरों को ढूंढूं या उन हड्डी पंजर को जो जीने के लिए प्रकृति से लड़ रहे हैं, अर्थात सुख साज को देखूं या कष्टमय जीवन को। आइए अगली पंक्ति को बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हुए हैं घनजाली। घनजाल, घन मतलब होता है आपका घना, जाली यानी जाली ही, तो घनजाली का अर्थ हुआ है गुच्छे में, गुच्छा आप कह सकते हैं। इनके बाद शब्द है दुर्दिन। दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन या बुरा समय। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। कलियों की घनजाली में छिपती देखूं लतिकाएं या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। इन पंक्तियों का प्रसंग भी उपरोक्त ही होगा। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यह कवित्री कहती है हे मां, मैं क्या देखूं, तेरे कलियों के घनजालियों अर्थात गुच्छों में छिपते उन लतिकाओं को देखूं या तुम्हारे उन बुरे अर्थात कष्टमय दिनों के उन हाथों को देखूं जो देखकर मुझे लज्जा और दुख ही होते हैं। आइए अगली पंक्तियों के बढ़ते हैं। इन शब्दों पंक्तियों में शब्द आए हैं किसलय। किसलय का अर्थ होता है कोमल पत्ता या फिर नौ पल्लव भी आप कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है अली शीशु। यहां दो शब्द है अली और शीशु। अली का अर्थ होता है भौंड़ा और शीशु का अर्थ होता है बच्चा, यानी भौड़े का बच्चा। इसके बाद शब्द है सैसव। सैसव का अर्थ होता है शिशु संबंधी या बालपन, बचपना। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। बतलाऊं उन किसलय के झूले में अली शिशु तेरे पासानों में मसले या फूलों से सैसव देखूं। यहां पंक्तियों की व्याख्या होगी। हे मां, मैं क्या देखूं, तेरे कोमल फूलों के पंखुड़ियों में झूलते उन शिशु भौरों को देखूं या उन सैसव फूलों के पंखुड़ियों के
को देखूं जो पत्थरों से मसले जा रहे हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हैं निर्जन। निर्जन का अर्थ होता है एकांत। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दीपावली, तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, या इन निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं। इन पंक्तियों की व्याख्या होगी, मैं तेरे आंगन के जगमग दिवाली के खुशियों से भरे उन पल को देखूं, या इस दुखों से भरे एकांत में परे बुझते दीपक को देखूं। अर्थात कवित्री कहती है कि संसार में खुशी को अपना मानूं या फिर उन दुखों को जिससे पूरा संसार कष्टमय हो रहे हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहां शब्द आए हैं विहगो। विहगों का अर्थ होता है, विहग से विहगो आया है शब्द। विहगों का अर्थ हुआ यहाँ पक्षियों, यानी पक्षी। इसके बाद शब्द है कलरव। कलरव का अर्थ होता है पक्षी जो कलरव करते हैं, अर्थात क्रीड़ा करना या हंसी मजाक करना। इसके बाद शब्द है कलकल। नदी के प्रवाह की मृदु ध्वनि को ही कलकल कहते हैं। नदी की धारा जब बहती है तो उनसे जो शब्द उठते हैं उसे ही कलकल कहा जाता है। इसके बाद शब्द है निष्पंद। निष्पंद का अर्थ होता है कंपित न होने की अवस्था, अर्थात स्थिर। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। देखूं विहंगों का कलरव झूलता जल की कलरव में, देखूं विहंगों का कलरव घुलता जल की कलरव में, निष्पंद पड़े वीणा से या बिखरे मानस देखूं। यहां व्याख्या में आप देख सकते हैं कि कवित्री कहती है, हे माँ तेरे आंचल में बहते नदियों के कलकल अर्थात जल में पक्षियों को करते क्रीड़ा को देखूं, या बेजान से परे उस वीणा अर्थात सूखे पड़े बेजान पलों को देखूं जिससे कि किसी प्रकार की कोई आवाज तक नहीं आ रही है, अर्थात व्यथा में जड़ बन गई है। आइए अगली पंक्ति की ओर पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हैं मृदु। मृदु का अर्थ होता है कोमल। इसके बाद शब्द आए हैं रजत रश्मिया। रजत रश्मिया का अर्थ हुआ चांदी की तरह किरण या रोशनी। रजत यानी चांदी, रश्मिया यानी रोशनी। इसके बाद शब्द आए हैं निर्निमेश। निर्निमेश का अर्थ होता है एकटक, अर्थात बिना पलक झपके। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। कवि कहते हैं, मृदु रज रश्मिया देखूं उलझी निद्रा पंखों में, या निर्निमेश पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। यहां कवि पंक्तियों की व्याख्या में आप देख सकते हैं, कवित्री कहती है कि हे माँ तेरे कोमल चांदी की तरह रोशनी में उलझे उन निद्रा भरे पंखों को देखूं, अर्थात शांति से सोई उन पलों को देखूं, या दुखों से आकुल और चिंता में परे उन पलकों को देखूं जो बिना पलक झपके कष्ट भोगता मौन है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हैं अम्लान। अम्लान का अर्थ होता है जो मुरझाया या उदास हो। इसके बाद शब्द आए हैं अजस्र। अजस्र का अर्थ होता है अविच्छिन्न या निरंतर चलते वाला। निरंतर चलने वाला अर्थात बिना रुके जो चलता है। इसके बाद शब्द आए हैं वैभव। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य या फिर शान शौकत।
इसके बाद शब्द आए हैं कंदन। कंदन का अर्थ होता है विलाप करना या फिर रोना। क्रंदन से कंदन शब्द आए हैं। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। तुम्हें मैं अम्लान हंसी है, तुझमें अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं या जीवन का कंदन देखूं। पुस्तक पंक्तों की व्याख्या आप देख सकते हैं। कवित्री यहाँ कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ कि क्या देखूँ, तेरे उन उदासी से मुरझाए हंसी और दुखों में विलाप करते निरंतर बहते उन आंसू को देखूँ, या तेरे ऐश्वर्य अर्थात शान शौकत देखूँ, या फिर तेरे जीवन के क्रंदन को देखूँ। अर्थात कवित्री दो राह पर खड़ी समझ नहीं पा रही है कि किसे अपना माने। प्रस्तुत पंक्तियों की अगर विशेष की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने बड़े ही सुंदरता से प्रकृति रूपी माँ का मानवीकरण किया है एवं बड़े ही रहस्यमय तरीके से जीवन में आने वाले सुख दुख के प्रभाव का वर्णन करती है। कवित्री कहती है कि वह अपने जीवन में किसी अपनाए सुख या दुख को, उत्थान को या फिर पतन को, या फिर जीवन की कुरूपता को या सुंदरता को वह किसे अपनाए यह समझ नहीं पा रही है। तो आशा करता हूँ कि आज का व्याख्यान सार्थक सिद्ध हुआ होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।